दक्षिणी लेबनान से सटा उत्तरी इसराइल हिजबुल्ला के हमलों की आग में जल रहा है। उत्तरी इसराइल में शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां पर हिजबुल्ला के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन न गिरे हों। और इन हमलों की वजह से लेबनान बॉर्डर से सटा इजरायली क्षेत्र करीब करीब वीराने में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना और हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हालांकि आईडीएफ रक्षात्मक मोड में है, जबकि हिजबुल्ला आक्रामक होकर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इजरायली सेना को इस इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 6 अगस्त 2024 को उत्तरी इसराइल के ऊपर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं, जिससे इजरायली सेना को जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल इस बार हिजबुल्ला ने कैला बैरिक्स में बने इसराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ताबड़तोड़ तरीके से बमबारी की है। साथ ही जारिद बैरिक्स के पास अबू दाजा हिल और तालेत अल करंतीना में इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, जिन पर हिजबुल्ला ने मौका पाते ही हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले कफार चौबा में भी रोइशत अल अलाम में आईडीएफ पर रॉकेट प्रोपेल्ड हथियारों से हमला किया है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने अलमर्ज में भी गोला बारूद बरसाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों से पहले हिजबुल्ला ने इसराइल की गोलन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया था। यह हमला शारगा बैरिक्स की इजोक 621 यूनिट में बने गोलानी ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर पर हुआ था। यहां पर हिजबुल्ला ने कामिकेज ड्रोन्स का एक जत्था फायर कर दिया था, जो सीधे अपने टारगेट पर जाकर गिरा था। इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि यह अटैक एकदम सटीक रहा है और इस अटैक में आईडीएफ को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के अलावा रोइसत अल अलाम साइट पर हिजबुल्ला ने इसराइल के बख्तरबंद वाहनों पर गाइडेड मिसाइलें भी दागी हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक ये मिसाइलें सीधे आईडीएफ के वाहनों पर जा गिरी, जिसमें चालक दल या तो मारा गया या फिर घायल हुआ है। हिजबुल्ला ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उसने कहा कि पहले तो उसने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में आईडीएफ पर निगरानी रखी और जैसे ही इजरायली सेना की गाड़ियां हमले वाली जगह पर पहुंची तो उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। वहीं इजरायली सेना ने भी माना है कि पश्चिमी अल जलील में हुए ड्रोन हमले में उसके 6 जवान घायल हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा कैला बेस के आसपास गिरा है। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि रूट नंबर 4 के पास दक्षिणी नहारिया में कुछ सेटलर्स भी घायल हुए हैं और इसी इलाके में इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलें आकर गिरी हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस घटना में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी घायलों को नहारिया के गैलेली मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए लोगों में 17 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि अब आईडीएफ ने भी मान लिया है कि इसराइल की एक इंटरसेप्टर मिसाइल फेल होकर नीचे गिरी थी, जिससे यह इलाका प्रभावित हुआ है। वहीं हिजबुल्ला के कई ड्रोन नहारिया और आर्मी बेस में जाकर फटे हैं, जिनसे भारी नुकसान हुआ है।